तो आखिरकार हर एक स्टूडेंट्स का एक ही डाउट है, एक ही क्वेश्चन चल रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो है छात्रों व अधीक्षक श्रेणी दा के 500 पदों पर जो है भर्ती परीक्षा जो है आखिरकार जो है कब होगा, किस तरह से होगा, और ये क्या CGPSC जो है पुनः फिर से छात्रों व अधीक्षक श्रेणी दा के 500 पदों पर जो है भर्ती निकालेगी या फिर नहीं निकालेगी। तो छात्रों व अधीक्षक श्रेणी दा भर्ती परीक्षा की तैयारी कैसे करना है, कितने नंबर में सिलेक्शन शो पाएगा, कट ऑफ मार्क्स जो है कितना जाएगा, इसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ। छात्रों व अधीक्षक में 150 क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, प्रत्येक प्रश्न एक नंबर के होते हैं, 1/4 जो है निगेटिव मार्किंग होंगे, आपको पता ही होगा। इसके साथ जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, आवेदन करने के लिए आपका जो है ग्रेजुएशन कम्प्लीट होना चाहिए। CGPSC में छात्रों व अधीक्षक श्रेणी दा भर्ती परीक्षा में आवेदन करने के लिए ग्रेजुएशन। वहीं आयु सीमा की बात करें तो कम से कम 21 वर्ष मिनिमम, मैक्सिमम जो है 40 साल आपका होना चाहिए। कैटेगरी वाइज जो है छूट मिलता है, SC और ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को 5 वर्ष का छूट मिलेगा, OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को 3 वर्ष का। तो यदि आप SC और ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं 45 साल के यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। वहीं यदि आप OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं 43 साल के हैं, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, जो कि आप ऐसे हर एक स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है, प्लस पॉइंट है। तो निगेटिव मार्किंग से जितना ज़्यादा हो सके बच के रहना। जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम्स में 33% अंक लाना है। वहीं OBC, SC और ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम्स में 23% अंक लाना है। इतने नंबर लाने वाले स्टूडेंट्स का ही एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो पाएगा। तो तैयारी जो अच्छे से कीजिए, मेहनत आपको अच्छे से करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है, हार्डवर्क करना है। तो जितना ज़्यादा आपका हार्डवर्क होगा, जितना ज़्यादा आपका मेहनत होगा, उतना ही ज़्यादा आप आगे बढ़ पाएंगे एंड सफलता मिल पाएगा।